वेलकम बैक फ्रेंड। आई होप आप लोगों का प्रिपरेशन बहुत अच्छे चल रहा होगा। आज मैं आप लोग के बीच साइंस का पार्ट थर्ड वीडियो लेकर के आया हूं, क्योंकि हम लोग टोटल 1000 जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन साइंस के बनते हैं हम लोग करने वाले हैं, जिसका पार्ट थर्ड वीडियो ये है, जो कि CBT 2 एग्जाम एंड Group D RPF का जो एग्जाम होने वाला है उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट एंड महत्वपूर्ण क्वेश्चन इंक्लूड किया गया, ठीक है। और जो इस चैनल पे ऑलरेडी सब्सक्राइब कर लिए हैं उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और जो नहीं किए कृपया करके सब्सक्राइब कर लें और बगल में बेल आइकन होगा उसमें भी क्लिक कर दें, ताकि आगे आने वाले जितने मैं महत्वपूर्ण वीडियो बनाता हूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो जाए। इस चैनल के साथ जुड़िए और जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन मैं अपलोड करता हूं उसका फायदा उठाइए, क्योंकि मैं इस चैनल पर जो भी क्वेश्चन अपलोड करता हूं, वीडियो अपलोड करता हूं, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड रिव्यू किया हुआ, बहुत ही अच्छे तरह से सोच समझ के वो क्वेश्चन को कलेक्शन करके वीडियो बनाया जाता है, ठीक है। तो आप इस चैनल को ऑलरेडी देख सकते हैं, साइंस का पार्ट वन वीडियो स्पेशली जो है रेलवे के लिए अपलोड हो गया है एंड पार्ट टू वीडियो भी अपलोड हो गया। जो पार्ट वन टू नहीं देखे कृपया करके चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इसका जो लिंक है वहां पे दे दूंगा, वहां से आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। एंड जो स्पेशली करंट अफेयर्स के लिए जो खोज रहे हैं, करंट अफेयर्स में ऑलरेडी इस चैनल पे प्रोवाइड करा देंगे। देखिए टॉप 500 की जो करंट अफेयर्स है जनवरी 2018 से जून 2018, इसमें जो ALP का CBT 1 एग्जाम हो रहा है उसमें हूबहू सेम क्वेश्चन इसमें डायरेक्ट आ जा रहे हैं, ठीक है। कमेंट में जाकर देख सकते हैं, तो आप लोग वहां से देख सकते हैं। चलते हैं आज के क्वेश्चन की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन है हाँ सर सीवी रमन को उनके किस प्रयोग के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। सर सीवी रमन को उनके किस प्रयोग के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। इसका ऑप्शन गिवन है दोस्त, प्रकाश का परावर्तन, एंड नेक्स्ट ऑप्शन है प्रकाश का विक्षेपण, एंड थर्ड ऑप्शन है प्रकाश का प्रकीर्णन, एंड फोर्थ है प्रकाश का परिक्षेपण। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त, सीवी रमन को प्रकाश का प्रकीर्णन के जो इसका सिद्धांत दिए थे इन्हीं के तहत इनको जो है नोबेल पुरस्कार मिला था। और भी उनके बारे में कुछ जान लेते हैं दोस्त, जो कि सीवी रमन जो है वर्ष 1930 में जो है इनको ये पुरस्कार मिला था। कभी कभी एग्जाम में यह भी पूछ लिया जाता है कि सीवी रमन को जो नोबेल पुरस्कार मिला था वो कब मिला था, तो ये 1930 में मिला था, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्त, वाहनों के अग्रदीप हेडलाइट में किस प्रकार के दर्पण का इस्तेमाल होता है। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि वाहनों के हेडलाइट में किस प्रकार के दर्पण का इस्तेमाल होता है। ऑप्शन में गिवन है दोस्त, समतल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण एंड परवलय दर्पण, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त, इसका राइट आंसर हो जाएगा परवलय दर्पण। वाहन के जो हेडलाइट होता है, गाड़ियों के हेडलाइट में परवलय दर्पण का यूज किया जाता है, क्योंकि इसका प्रॉपर्टी है दोस्त कि वाहन के हेडलाइट और परवलय दर्पण का प्रयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि परवलय दर्पण किसी दूर स्थित स्रोत से ऊर्जा को एकत्र करके एक नाभिकीय बिंदु तक लाने में जो है उसका हेल्प करता है, ठीक है। जो हेडलाइट में इस प्रयुक्त परवलय दर्पण जो होता है परवलय अवतल दर्पण किसी स्रोत से आने वाली ऊर्जा को बाहर की ओर समांतर किरण पुंज के रूप में प्रक्षेपित किया जाता है, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा परवलय दर्पण। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्त, कार के हेड लैंप में प्रयुक्त दर्पण कौन सी है। तो परवलय दर्पण ऑलरेडी देख चुके हैं, कभी कभी ऐसे भी पूछ दिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाहन चालन हेतु पक्ष दृष्टि दर्पण कौन सा होता है। वाहन चलाने हेतु पक्ष दृष्टि मतलब पीछे की ओर पीछे से देखने वाले जो दर्पण होता है कौन सा दर्पण लगा हुआ होता है। ऑप्शन ए में गिवन है साधारण, बी में अवतल, सी में उत्तल एंड डी में प्रतिलोमित। इसका राइट आंसर हो जाएगा, वाहनों को पीछे देखने के लिए जो होता है उत्तल दर्पण लगाया जाता है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रेलवे पर्पस के लिए, रेलवे एग्जाम के लिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्त, वाहन पीछे से आने वाली वस्तुओं को देखने के लिए किसका प्रयोग करते हैं। ऑलरेडी देख चुके हैं उत्तल दर्पण का इसमें प्रयोग होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दर्पण विशेष के सामने खड़े होने पर मनुष्य को अपना सिर और शरीर वास्तविक आकार से छोटा दिखाई देता है।
जबकि टांगे वास्तविक आकार की दिखाई देती है। दर्पण के अंशों का शेप क्या है? ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एसएससी पर्पज से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, रेलवे के लिए तो है ही, क्योंकि इसका ऑप्शन गिवन है अवतल एवं समतल दर्पण, अवतल एवं उत्तल दर्पण, उत्तल एवं समतल दर्पण, समतल एवं उत्तल दर्पण। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त उत्तल एवं समतल दर्पण। ठीक है, क्योंकि दर्पण के ऊपर का भाग उत्तल होने का पर जो होता है मनुष्य को जो है अपना शीर्ष जो है वास्तविक आकार से छोटा दिखाई देता है। उत्तल दर्पण में क्या होता है वास्तविक रियल आकार जो है उससे छोटा दिखाई देता है, जबकि दर्पण के नीचे का भाग समतल होने पर जो है मनुष्य का जो नीचे का हिस्सा टांग जो है वो वास्तविक आकार की ही दिखाई देती है। ठीक है, कभी कभी आप लोग देखिएगा तो गौर कीजिएगा, ये रियल फैक्ट है कि जो है मनुष्य का जो दर्पण के ऊपर का भाग उत्तल होने पर मनुष्य का जो है सिर का जो और वास्तविक आकार से छोटा दिखाई देता है, मनुष्य का सिर वास्तविक आकार से छोटा दिखाई देता है, जबकि दर्पण के नीचे भाग जो है जैसे पैर वगैरह हो गया टांग जिसको बोलते हैं वो जो है वास्तविक रियल आकार की तरह दिखाई देता है। ठीक है, ये उत्तल और समतल दर्पण का केस है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश का वेग सबसे पहले किसने नापा था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भीविया इसे लगा लीजिए। यह प्रकाश का वेग जो है सबसे पहले किसने नापा था? फर्स्ट ऑप्शन है गैलीलियो ने, एंड सेकंड ऑप्शन न्यूटन ने, एंड थर्ड ऑप्शन रोमर, एंड फोर्थ ऑप्शन आइंस्टीन। प्रकाश का वेग सबसे पहले किसने नापा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त रोमर। प्रकाश का वेग जो है सबसे पहले रोमर ने नापा था। प्रकाश का वेग सबसे पहले रोमर ने नापा था। रोमर के बारे में और भी जान लेते हैं दोस्त। रोमर जो थे ये डेनमार्क के सबसे बड़े एस्ट्रोनॉमिस्ट थे। डेनमार्क के सबसे बड़े जो है खगोलविद थे, जिन्होंने सर्वप्रथम 1676 ईस्वी में क्या 1676 ईस्वी में जो है इन्होंने ये खोज किया था, प्रकाश का वेग का खोज किया था 1676 ईस्वी में। कभी कभी यह डेट भी पूछ लिया जाता है 1676, इसका एग्जैक्ट डेट याद कर सकते हैं 1676 में किया था, में बृहस्पति ग्रह के उपग्रह को गति देकर प्रकाश का वेग ज्ञात किया था। ये कैसे किए थे? क्योंकि बृहस्पति जो है प्लैनेट, उसका जो उपग्रह है उसका जो गति है रोटेशनल जो स्पीड है उसको देख करके ये वेग ज्ञात किए थे। ठीक है, निर्वात में आपको पता ही है कि वेग जो होता है प्रकाश का वेग कितना होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, 3×10⁸ मीटर होता है, 3×10⁸ मीटर/सेकंड होता है, याद कर लीजिएगा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आएंगे, प्रकाश का वेग क्या है? प्रकाश का वेग 3×10⁸ मीटर/सेकंड है। क्वांटिटी आप याद कर लीजिएगा, 3×10⁻ याद होता है, लेकिन कन्फ्यूजिंग कभी कभी ये एग्जाम में कर दिया जाता है कि मीटर पर सेकंड है तो मीटर स्क्वायर कहीं कर दिया जाएगा या सेकंड के जगह मिनट कर दिया जाएगा, तो कंफ्यूज नहीं होएगा। 3×10⁸ मीटर/सेकंड इसका राइट आंसर है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्त, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? वेग एक से युक्त समतल सतह पर प्रकाश तरंग का घटना परावर्तन के बाद वेग कितना हो जाएगा? कहने का मतलब क्वेश्चन में ये पूछ रहा है दोस्त कि वेग x से युक्त समतल दर्पण पर प्रकाश तरंग का घटना परावर्तन के बाद क्या हो जाएगा। तो परावर्तन के बाद इसका जो है वेलोसिटी में जो है, कोई भी समतल दर्पण का एक परावर्तन की प्रॉपर्टी है, समतल दर्पण से परावर्तन के बाद प्रकाश के वेग वेलोसिटी में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, कोई परिवर्तन नहीं होता है, इसलिए x युक्त समतल दर्पण प्रकाश का घटना का परिवर्तन के बाद वो x ही रहेगा। ठीक है, क्योंकि ये प्रॉपर्टी है परिवर्तन का कि समतल सतह से परिवर्तन के बाद प्रकाश के वेग वेलोसिटी जो है में कोई परिवर्तन कोई चेंजमेंट नहीं होता, इसलिए इसका राइट आंसर x ही हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्त, 3D फिल्म देखने के लिए प्रयुक्त चश्मे में होता है, 3D फिल्म देखने के लिए कौन से चश्मा जो यूज करते हैं उस चश्मे किस चीज से बना होता है? ठीक है, ये इसका ऑप्शन देख लेते हैं पहले, बिफोकसी लेंस, उत्तल लेंस एंड अवतल लेंस एंड पोलराइज लेंस। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त पोलराइज लेंस। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पोलराइज लेंस इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है,
3D फिल्म देखने के लिए जो हमें चश्मा जो यूज करते हैं वो पोलराइज्ड लेंस की तरह होता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्र की छिपी किसी कारण से सुनहरी दिखाई देती है। कहने का मतलब ये क्वेश्चन पूछ रहा है, समुद्र की सीपी किसी कारण से सुनहरी दिखाई देती है। कभी कभी ये सीपी एक वर्ड है जो कि समुद्र में आप लोग कभी देखे होंगे, व्हाइट कलर या फिर और भी कलर के होते हैं, व्हाइट कलर जनरली होता है, वो समुद्र में रहता है, उसको सीप बोला जाता है। वो सीप जो है समुद्र में जो सीप होता है वो किस कारण सुनहरी दिखाई देती है, ये पूछ रहा है। ठीक है, इसका ऑप्शन गिवन है दोस्त, विवर्तन, परिक्षेपण, ध्रुवन एंड परावर्तन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ध्रुवन। समुद्र में छिपी समुद्र में सीपी किस कारण से सुनहरी दिखाई देती है, तो ये ध्रुवन के कारण जो है सुनहरी दिखाई देती है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्त, एशिया की विशालतम परावर्ती दूरबीन कहाँ है। बहुत इंपॉर्टेंट है रेलवे पॉइंट ऑफ व्यू से, आप फिर याद ही कर लीजिए तो बेहतर होगा। एशिया की विशालतम परावर्ती दूरबीन कहाँ स्थित है। ऑप्शन में गिवन है कोडाई कनाल, ऊटी, क्वालूर, नैनीताल। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त क्वालूर। एशिया की विशालतम परावर्तन दूरबीन जो है क्वालूर में स्थित है। ठीक है, क्वालूर जो कि तमिलनाडु के बेलोर जिले में पड़ता है दोस्त। क्वालूर कहाँ पड़ता है, तमिलनाडु के जो है बेलोर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। ठीक है, तमिलनाडु के बेलोर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है क्वालूर, जहाँ की एशिया की सबसे विशालतम दूरबीन है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साबुन के बुलबुले पर श्वेत प्रकाश डालने से कोई से रंग दिखाई देते हैं। साबुन के बुलबुले पर श्वेत प्रकाश डालने से रंग दिखाई देते हैं, इसका कारण क्या है। इसका ऑप्शन गिवन है विवर्तन, ध्रुवन, व्यतिकरण एंड परावर्तन। इसका राइट आंसर हो जाएगा व्यतिकरण। साबुन के बुलबुले पर श्वेत प्रकाश डालने से जो है उसका जो कलर जो है व्यतिकरण के कारण वो रंगीन दिखाई देता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, वीवीआई से लगा लीजिए, क्योंकि साबुन के बुलबुले को श्वेत प्रकाश डालने से वो कलर में दिखाई देने का रीजन है वो व्यतिकरण के कारण वो दिखाई देता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्त, बरसात के दिन जल पर छोटी तैलीय परतों में चमकीले रंग दिखाई देते हैं, यह किसके कारण होता है। बरसात के दिन जल पर छोटी तैलीय परत में चमकीले रंग दिखाई देते हैं, किसके कारण होता है। ऑप्शन गिवन है परिक्षेपण, अपवर्तन, ध्रुवन एंड प्रकीर्णन। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त ध्रुवन। ध्रुवन के कारण जो है बरसात के दिन जो है जल पर छोटे तैलीय परत में चमकीले कलर का दिखाई देने का रीजन है ध्रुवन। ध्रुवन के कारण ये दिखाई देता है। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ध्रुवन, क्योंकि इसका ध्रुवन नहीं होना चाहिए, इसका ऑप्शन कंफ्यूजिंग हमें लग रहा है। परिक्षेपण, ध्रुवन, अपवर्तन, प्रकीर्णन, ऑप्शन शायद इसका कुछ मिसमैच हो रहा दो। हाँ, इसका हाँ देखिए, जनरली हम लोग ये देखते हैं कि बरसात के दिन में जल पर छोटी तैलीय पदार्थ की परतें जमने का रीजन मेन है या किसके कारण होता है, ये क्वेश्चन ये पूछ रहा है। हम लोग एक प्रॉपर्टी जानते हैं कि बरसात के दिन जब छोटी तैलीय परत पर चमकीला कलर का दिखाई देता है, ये घटना जनरली व्यतिकरण से होता है। इसका राइट आंसर ये नहीं होगा, ध्रुवन नहीं होगा। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा, लिख लीजिए व्यतिकरण। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्त, व्यतिकरण के कारण ये होता है। ठीक है, लीजिएगा, बरसात के दिन जब जल पर छोटी तैलीय परत जमने का जो रीजन है ये व्यतिकरण का रीजन है। ठीक है, व्यतिकरण के कारण ये ऐसा घटना होता है। ठीक है, आप इसे याद कर लीजिए व्यतिकरण के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस बाह्य प्रकाशिक घटना के कारण हीरे जगमगाते हैं।
निम्नलिखित में से किस प्रकाशी घटना के कारण हीरे जगमगाते हैं और आकर्षित होते हैं? ऑप्शन गिवन है उच्चतम अपवर्तन, बहुलिक आंतरिक परावर्तन, बहुलिक पृष्ठ परावर्तन, शत प्रतिशत संचरण। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त ये बहुलित आंतरिक परावर्तन के कारण, आंतरिक परावर्तन के कारण जो है हीरा जो है जगमगाते हैं, चमकते हैं, पूरा आकर्षित दिखते हैं, ये आंतरिक परावर्तन के कारण। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश तरंगे हैं, प्रकाश तरंगे क्या है? ऑप्शन गिवन है वैद्युत तरंगे, चुंबकीय तरंगे, विद्युत चुंबकीय तरंगे एंड स्थिर वैद्युत तरंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त प्रकाश जो है विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं। ठीक है, प्रकाश का जो है और भी हम लोग कुछ प्रॉपर्टी जान लेते हैं, प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, ये तो प्रॉपर्टी है ही। और इसका क्या होता है कि जिसकी तरंग दैर्ध्य दृश्य सीमा से भीतर होती है, ठीक है, ये दोहरी प्रकृति की होती है दोस्त। और जबकि कण प्रकृति जो इसका जब प्रकाश का जो है विद्युत प्रभाव तथा कंपन इफेक्ट जो क्रॉम्पटन इफेक्ट है की व्याख्या इसी के द्वारा होती है। तो प्रकाश का मूल कण क्या होता है, एक प्रकाश का कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है कि प्रकाश का मूल कण क्या होता है, तो प्रकाश का मूल कण फोटोन होता है। ठीक है, याद कर लीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन ये पूछ रहा प्रकाश तरंगे है तो क्या है, प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंगे है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में परिवर्तन निहित है, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में परिवर्तन निहित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त सौर ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में चेंजमेंट होना, सौर ऊर्जा का जो है रासायनिक ऊर्जा में चेंजमेंट होना प्रकाश संश्लेषण का ये प्रक्रिया है। क्योंकि प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है, जनरली सौर ऊर्जा जो होता है सन का जो ऊर्जा होता है उसको केमिकल ऊर्जा में कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, जिसको फोटोसिंथेसिस कहते हैं। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। इसकी और भी कुछ प्रॉपर्टी देख लेते हैं प्रकाश संश्लेषण के। इसके अंतर्गत होता क्या है दोस्त कि अपने हरेक कलर का जो होता है ना, हरेक कलर का जो होता है पत्ती द्वारा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वायु से कार्बन डाइऑक्साइड तथा भूमि से जल लेकर जटिल कार्बनिक पदार्थ जैसे कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं तथा ऑक्सीजन O2 गैस को बाहर करते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन छोड़ते हैं जिससे मनुष्य जितने भी प्राणी हैं उनको ऑक्सीजन लेने में हेल्पफुल होता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्त सूक्ष्मदर्शी जिसको माइक्रोस्कोप बोला जाता है का आविष्कार किसने किया था, सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया था? ऑप्शन बी है एडमर्ट फिशर, एंटोनो वॉन लीवेनहॉक एंड पॉलसेन एंड जेड जॉनसन। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त जेड जॉनसन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सूक्ष्मदर्शी माइक्रोस्कोप का आविष्कार जेड जॉनसन ने किया था। ठीक है, सूक्ष्मदर्शी जो है जेड जॉनसन ने किया था। सूक्ष्मदर्शी एक ऐसा यंत्र है दोस्त जिसके सहायता से क्या होता है कि हम लोग अपने नग्न आंखों से न दिखने योग्य वस्तु को भी हम देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कोई व्यक्ति सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी यंत्रों में अंतर क्या देखकर जान सकता है? कहने का मतलब ये पूछ रहा दोस्त कि कोई व्यक्ति सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी यंत्र में अंतर जो है उसका डिफरेंस क्या देखकर जान सकता है? ये ऑप्शन गिवन है लंबाई देखकर, कलर देखकर, लेंस का आकार देखकर एंड लेंस की लंबाई और आकार देखकर। इसका राइट आंसर हो जाएगा लेंस की लंबाई और आकार देख करके दो सूक्ष्मदर्शी के यंत्रों के अंतर डिफरेंस पता कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्त लैम्बर्ट नियम, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लगा लीजिए। ठीक है, लैम्बर्ट नियम किससे संबंधित है, लैम्बर्ट नियम किससे संबंधित? ऑप्शन गिवन है परावर्तन से, अपवर्तन से, व्यतिकरण से एंड परदीप्ति से। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त लैम्बर्ट नियम जो है परदीप्ति से संबंधित है, लैम्बर्ट नियम परदीप्ति से संबंधित है। क्या है दोस्त, लैम्बर्ट नियम जो है परदीप्ति से संबंधित है। ठीक है, लैम्बर्ट नियम जो है परदीप्ति से संबंधित है। इसके बारे में कुछ और भी देख लेते हैं, लैम्बर्ट नियम क्या था? तो लैम्बर्ट नियम जो है दोस्त ये नियम प्रकाश की परदीप्ति से संबंधित, ये इसका प्रॉपर्टी तो हम लोग देख लिए हैं एंड इसका एक और है प्रॉपर्टी की प्रकाश की में लैम्बर्ट के जो है नियमानुसार होता क्या था कि किसी भी तल के
विकिरित ऊर्जा की तीव्रता को प्रक्षेपित मानकर उस तल के लंबवत रेखा उस तल के जो है लंबवत रेखा उस तल के लंबवत रेखा की दृष्टि रेखा लंबवत रेखा की दृष्टि रेखा के बीच कोण जो होता है उसके दोनों कोण के क्या होता है समानुपाती होता है। ठीक है दोस्त, दोनों कोण के समानुपाती होते हैं, लैम्बर्ट का नियम है। लेकिन उतना हम लोग डीपली नहीं जाते हैं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना ही काफी है कि लैम्बर्ट नियम किससे संबंधित है, ये प्रदीप्ति से संबंधित है लैम्बर्ट नियम। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्त, प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है। ये तो ऑलरेडी जान चुके होंगे क्योंकि ये कॉमन सा वर्ड है, ये कॉमन सा क्वेश्चन है जो कि हर किसी को याद रहता है, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत हर एग्जाम में, मैक्सिमम एग्जाम में, एसएससी हो या रेलवे, हर एग्जाम में मैक्सिमम बार ये रिपीट होने वाला क्वेश्चन। इसका राइट आंसर हो जाएगा 8.3 मिनट। 8.3 मिनट जो है सूर्य के से पृथ्वी तक जो है उसका लाइट पहुंचने में टाइम लगता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्त, हाँ, सूर्य का प्रकाश हमारे पास पहुंचने में कितना समय लगता है, इसका तो ऑलरेडी देख चुके हैं 8 मिनट 8 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृद्धांता का दोष किस लेंस के प्रयोग द्वारा दूर किया जा सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट, रेलवे पर्पस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, रेलवे एग्जाम के लिए क्वेश्चन ये बोल रहा है कि वृद्धांता का जो है, जिसको कलर ब्लाइंडनेस बोला जाता है इंग्लिश में, वृद्धांता का जो रोग है किस लेंस के प्रयोग द्वारा दूर किया जा सकता है। ऑप्शन गिवन है अवतल लेंस, उत्तल लेंस एंड सिलेंडरी लेंस। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त इनमें से कोई नहीं, क्योंकि वृद्धांता एक ऐसा रोग है दोस्त, कलर ब्लाइंडनेस एक ऐसा रोग है जिसको किसी लेंस के थ्रू जो है दूर नहीं किया जा सकता, ठीक नहीं किया जा सकता है, क्योंकि वृद्धांता जो है ये अनुवांशिक रोग है। ठीक है, इसमें अनुवांशिक रोग है, अनुवांशिक रोग को ठीक नहीं किया जा सकता, ये जन्मजात रोग होता है। ठीक है, ये अनुवांशिक रोग है। इसमें होता क्या है दोस्त कि उसमें ये चीज होता है कि मुख्य रूप से होता है कि लाल और हरे रंग का एक कॉम्बिनेशन जो होता है उसमें जो है जिसको वृद्धांता हो जाता है, कलर ब्लाइंडनेस हो जाता है, लाल और हरा रंग जो है उनको पता नहीं चलता कि लाल कौन है और हरा कौन है, तो ये दोनों कलर में मिसमैचिंग होता है उन लोगों के बीच। ठीक है, इससे किसी लेंस के द्वारा दूर नहीं किया जा सकता। इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्त, हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि डेल्टोनिज्म प्रोटेनिया एक प्रकार का वृद्धांता है, ये भी वृद्धांता रोग है। ठीक है, वृद्धांता रोग है जिसको कलर ब्लाइंडनेस बोलते हैं, एंड उसमें रोगी को कौन सा रंग नहीं दिखाई पड़ता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से सभी। डेल्टोनिज्म ये भी वृद्धांता रोग है कलर ब्लाइंडनेस, जिसमें लाल रंग और हरा रंग और नीला रंग का कलर का पहचान ही नहीं कर पाते हैं, जिनको ये डेल्टोनिज्म रोग होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, हानिकारक परावैगनी विकिरण से रक्षा करने वाले भूमि के चारों ओर मौजूद ओजोन परत के क्षय का कारण कौन सी गैस है। ठीक है, ओजोन परत के क्षय का कारण कौन सी गैस है दोस्त, इसका राइट आंसर हो जाएगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसको सीएफसी के नाम से जानते हैं, सीएफसी के नाम से जानते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो कि ओजोन परत के सबसे ही क्षय का मेन कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्त, हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाहरी वायुमंडल में ओजोन की परत हमारी मदद करती है, बाहरी वायुमंडल में ओजोन की परत जो है हमारी मदद करती है, तो किस कारण मदद करती है दोस्त, क्योंकि ये परावैगनी विकिरण को अवशोषण कर लेती है। ठीक है, इसका राइट आंसर परावैगनी विकिरण को, ओजोन जो है परावैगनी विकिरण को क्या करती है, अवशोषण कर लेती है। ओजोन परत के बारे में और भी कुछ प्रॉपर्टी जान लेते हैं दोस्त। ओजोन परत जो है पृथ्वी धरातल से लगभग 15 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई तक ये वायुमंडल में जो है समताप मंडल में जो ओजोन जो है फैला हुआ है इसका आवरण। ठीक है, जो कि ओजोन परत सूर्य से निकलने वाली हानिकारक परावैगनी किरण को जो है, परावैगनी किरण सूर्य से जो निकलती है जिसको 93 से 98% तक जो है अवशोषित कर लेता है, पृथ्वी पर आने ही नहीं देता है, जिससे पृथ्वी पर जीवन की रक्षा होती है। बहुत ही ओजोन परत जो है अर्थ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट लेयर है, जो कि परावैगनी किरणों से बचाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल के ऊपरी भाग में ओजोन परत हमारी रक्षा किससे करती है।
वायुमंडल के ऊपरी भाग में ओजोन परत हमारी रक्षा किससे करती है, ऑलरेडी हम लोग देख सकते हैं ओजोन परत जो है परावैगनी किरणों से हम लोग को रक्षा करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सूर्य के विकिरण का परावैगनी प्रकाश की परत के कारण पृथ्वी में वायुमंडल में नहीं पहुंच पाता है, ऑलरेडी देख चुके हैं ओजोन परत के कारण जो है पृथ्वी पे वायुमंडल में नहीं पहुंच पाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी स्थिति में दूर की चीजें फोकस से हटाकर दिखाई देती है, किस स्थिति में दूर की चीजें फोकस से हटकर दिखाई देती है, इसका राइट आंसर हो जाएगा निकट दृष्टि दोष में। निकट दृष्टि दोष में क्या होता है दोस्त, दूर की चीजें फोकस से हटकर दिखाई देती है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप इसे वीवीआई लगा ही लीजिए, क्योंकि निकट दृष्टि दोष का एक प्रॉपर्टी है दोस्त, इसको प्रॉपर्टी भी कुछ हम लोग जान लेते हैं। प्रॉपर्टी ये है कि निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती है लेकिन दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती है, ऐसा तब होता है दोस्त क्योंकि दूर की वस्तु का प्रतिबिंब जो है आंख के सीधा रेटिना पर न बन करके उसके सम्मुख आगे बन जाता है, यही कारण है कि ये जो है यही कारण है कि ये जो है दूर की चीजें फोकस से हटकर दिखाई देती है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस दृष्टि दोष, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है दोस्त, उस दृष्टि दोष को क्या कहते हैं जिसमें किसी पदार्थ के एक तल में बिंदु केंद्र में दिखाई देते हैं जबकि दूसरे तल में बिंदु केंद्र के बाहर दिखाई देते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा अतिबिंदुकता, अभिदुक्ता, इसका राइट आंसर अभिदुक्ता, जिसको एस्टी मैग्नेटिज्म बोला जाता है, एस्टी मैग्नेटिज्म इसको इंग्लिश में बोला जाता है, अभिदुक्ता हिंदी में अभिदुक्ता इसको बोला जाता है एंड इंग्लिश में एस्टी मैग्नेटिज्म बोला जाता है। इसमें होता क्या है दोस्त, इसका प्रॉपर्टी भी जान लेते हैं। इसमें होता क्या है कि आंख के गोलक की जो है आंख की गोलक की जो है उस आंख के गोलक पे जिस पे प्रतिबिंब का कुछ भाग जो है रेटिना का सही रूप में फोकस पे होता है तथा एक अन्य स्थान पर भी रेटिना के रूप में से फोकस से हो करके जाता है। ठीक है, अर्थात मुक्त कहने का मतलब यह हुआ कि प्रतिबिंब के अतिरिक्त पास से ही एक दूसरा परंतु कम तीव्रता वाला प्रतिबिंब इसमें बन जाता है। अति बिंदुकता में होता क्या है कि प्रतिबिंब जो है उसके पास ही एक दूसरा प्रतिबिंब बन जाता है, यानी दो प्रतिबिंब बन जाता है इसमें। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्त, निकट दृष्टि दोष जिसको मायोपिया बोला जाता है को निम्नलिखित में से किसका प्रयोग करके ठीक किया जा सकता है। ठीक है, इसका ऑप्शन गिवन है बेलनाकार, उत्तल लेंस, अवतल लेंस एंड समतल लेंस। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए हम लोग अवतल लेंस का यूज करते हैं। ठीक है, अवतल लेंस, निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए अवतल लेंस का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्त, दीर्घ दृष्टि वाले व्यक्ति के लिए निकट बिंदु कितना होता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त 25 सेंटीमीटर से अधिक होता है। दीर्घ दृष्टि दोष वाले के लिए निकट बिंदु जो होता है 25 सेंटीमीटर से अधिक होता है, कभी कभी 25 सेंटीमीटर भी गिवन रहेगा तो इसका राइट आंसर 25 सेंटीमीटर हो जाएगा, लेकिन 25 सेंटीमीटर से कम नहीं होता है मिनिमम डिस्टेंस निकट दृष्टि दोष का ये गिवन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जूम लेंस क्या होता है, जूम लेंस क्या होता है। ठीक है, क्वेश्चन में ये बोल रहा है जूम लेंस क्या होता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा जूम लेंस जो होता है यह एक परवर्ती फोकस दूरी वाला लेंस होता है। जूम लेंस क्या होता है दोस्त, ये परवर्ती फोकस दूरी वाला लेंस होता है। जूम लेंस के बारे में और भी कुछ जान लेते हैं, प्रॉपर्टी ये होता है कि ये फोकस दूरी वाला लेंस होता है और इसमें ये चीज होता है कि फोकस दूरी वाला लेंस के विपरीत जूम लेंस का एक नियंत्रित संयोजन होता है जिसका उपयोग आवश्यकता अनुसार फोकस दूरी का प्रयोग करके देखने में किया जाता है। ठीक है, जैसे हम लोग जानते नहीं है जूम लेंस कैमरा में हम लोग जूमिंग करते हैं वही चीज को बता रहा है कि जूम लेंस होता क्या है, इसमें एक परिवर्ती फोकस दूरी वाला लेंस होता है। ठीक है, जिसमें उस फोकस दूरी को उपयोग करके हम लोग देखते हैं, जूमिंग करके देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थैंक यू दोस्त, आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पार्ट
और वीडियो लेकर के मैं कल आऊंगा, उसमें मिलते हैं, ठीक है। आई होप आप लोग को वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा हो तो कृपया करके वीडियो को लाइक करना मत भूलें दोस्त, लाइक करें। एंड जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कृपया करके सब्सक्राइब करें। मैं चैनल पर ऑलरेडी महत्वपूर्ण क्वेश्चन का कलेक्शन का वीडियो लेकर के आते रहता हूँ एंड डेली इस चैनल पर अपलोड करते रहता हूँ, तो आप इस चैनल के साथ कंटिन्यू बनिए। एंड अगर कोई पीडीएफ चाहिए इस चैनल से रिगार्डिंग, अगर मटेरियल स्टडी मटेरियल चाहिए तो आप टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम पे मैं इसका लिंक दे देता हूँ, वहां से आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तब तक के लिए गुड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।